श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ श्रीऋषभ्यो नमः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा माज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति 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 तर्बेभ्यो नमः ये बाणी संस्कृतम youtube चलद्रिश्यम प्रति भवतां भवती नाम स्वागत अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद कक्षा संख्या आठ को अष्टमी को आज हम पढ़ेंगे सात कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं आठवीं कक्षा आज हम पढ़ेंगे ठीक है आपसे बार बार हम निवेदन करते हैं कि आपको इस सीरीज की इस संपूर्ण अष्टाध्यायी सीरीज की कक्षाओं को सर्च करने में कठिनाई आ रही है YouTube चैनल पर तो आप सभी पाठक इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अभी तक पढ़ाई गई लगभग 500 से अधिक जो कक्षाएं हैं उन सभी के लिंक देववाणी संस्कृतम टीम से निशुल्क प्राप्त कर लें आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा इसी से नहीं लिया जाता है ये निशुल्क अभियान चला रहे हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करके सभी लिंक का आपको शेयर कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप पर तो व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा निवेदन कर दीजिएगा कि गुरु जी आ, हमें अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की सभी कक्षाओं के लिंक चाहिए तो आपको लिंक प्राप्त हो जाएगी चलिएगा अब हम चलते हैं आगे गत कक्षा में मैंने जो पढ़ाया था आपको यहां तक पढ़ा दिया था मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था मैंने लिख्यन्न करम ठीक है आज हम पढ़ेंगे इकतालीसवां सूत्र है, है? चलिएगा सूत्र सरल है परंतु इसके अंदर सिद्धियां हैं सिद्धियों को अच्छी प्रकार से हमें सीखना है चलिए वायी ही व्यक्ति एक वचना वाई ही, ही, एक वाई ही प्रथमा व्यक्ति एक अनुवृत्ति ही इसमें अनुवृत्ति आती है लिट्टअ तरस्याम आर्द की ठीक इनकी अनुवृत्ति आती है अर्थ वही आदेशो विकल्पे धातु के ठीक है कहते हैं व्य जो व्यई तंतु संताने धातु है ठीक है उस व्यई धातु के स्थान में वही आदेश कर देते हैं ठीक है वही का अर्थ वय होता है की संज्ञा हो जाती है विकल्प से आदेश होता है कब धातु को लिट प्रत्यय के परे रहते सर पर धातु को लिट धातु को ही होता है ठीक है चलिएगा ये तो हमने इसके उदाहरण दिए यहां पर क्या उदाहरण दिए उदाहरण में दिया है उवाया, उया तो हो, हो। तो हो, हो। वाबा उ तोह उ तोह उ तोहो वो इसमें तीन प्रकार के उदाहरण बनेंगे देखिएगा, एक ओ, ये बनाया आपका उवाय, बन गया, उयुह, और ये और ये हु, हु, ये बन गया और वाबाऊ वाबातुह बाबू ये उस पक्ष के जिस पक्ष में वे को आदेश हो जाता है ठीक है ये है आपका लिटलकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप ठीक है ये प्रथम लिट द्विवचन का बहुवचन का है और लिटलकार में ही प्रथम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में एक रूप और बनता है। ये पक्ष में उतुहु ऊबुह सिो में अभी देखेंगे और जिस पक्ष में आदेश नहीं होता है तो उस पक्ष में वेई का रूप बनता है व वह वतुह ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं अब ये हो गया सिद्धि देखते हैं सबसे पहले पीछे आप अपनी पुस्तक खोल लीजिएगा पहले मैं आपको यहीं पर सिद्धि करा दूंगा फिर उसके बाद में एक बार बोर्ड पर मैं आवृत्ति कराऊंगा ठीक है तो ये सिद्धि है यहाँ पर परिशिष्ट में आप अपनी पुस्तक खोल लिए होंगे देखिएगा सबसे पहले बनाते हैं उय उसने बुना वेई तंतु संताने माने जो तंतु धागे होते हैं उनको जोड़ना बुनना अर्थ में होता है वे तंत्र संताने से वे धातु है संज्ञा हो जाएगी या कि हलंतम तस्लोपा लोपाह दर्शन लोपाह भूवा दातुवा से धातु संज्ञा धातो हो धातो सूत्र से क्या हुई धातु के अधिकार में परोक्ष लिट परोक्ष लिट से परोक्ष में परोक्ष भूत में लिट जाएगा तो प्रत्यय परश्च परे हो गया ठीक है ये यहां पर पहले हट जाएगा दिखा दिया पहले हटा देंगे इसको ठीक है अब क्या है लिट है ये आर धातु हैं धातु कम है। शेषा से ये आर धातु कहे तो आर धातु के अधिकार में ये सूत्र आ गया था जिसको हम पढ़ रहे थे वे क्या कहा व्य कोल आर धातु लिटके पड़े रहते विकल्प से वाई वय आदेश होता माने वय का बचता है ठीक है तो व्य के स्थान में आदेश होकर ये जो है इसकी उपदेश से संज्ञा होकर के, इतसे इतसे के लोपा दर्शनम लोपा हो जाता है ठीक है तो ये ये क्या है? पूरा है तो इसलिए अन्य काल सब के स्थान में हो जाएगा तो क्या बना आपका ये वाया लिट ठीक है लिट हो गया अब पूर्वत लिट के स्थान में तिप आ जाएगा तिवादी, पत, तिवादी उत्पत्ति कर लीजिएगा ठीक है पर परसमय पदम आदि लगा करके और फिर यहां तिप आ गया तो वाया तिप ऐसी स्थिति हो गई अब यहां पर परसमय पदानाम अणल अतुष से क्या है जो लकार में परस्मयी पद प्रत्यय होते हैं तिप्त जी उनको यथाक्रम क्या हो है अणल अतुस हो जाते हैं ठीक है तो ये पहले भी हमने पढ़ाया फिर मैं दिखा देता हूं आपको ये सूत्र है ठीक है तीन चार ब्यासी परस्मय पर संजका नाम, नाम तिबादी नाम स्थाने यथा संख्यमणल अतुस उथुस अणल वितेते नव आदेश क्रम से हो जाते हैं तो यहाँ पर तिप लाए तिप को क्या हो जाएगा हो हो जाएगा नल हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा हमारा नल होकर के ऐसा बन गया वाया नल ठीक है इसकी एक संज्ञा हो जाएगी लक्की अलंतम तस्लोपा लोपा अण चुटु चुटू तस्लोपा दर्शनम, लोपा तस लोपा दर्शनम लोपा। तो ये अब बचेगा केवल ठीक है अब यहाँ पर ये लिट लकार है लिट के स्थान में आया इसलिए स्थानीय देश विदाऊ से स्थानीय मान करके लिटी धातोर अनभ्यास की लिट के परे रहते अनभ्यास धातु को द्वित्व होता है पहले भी पढ़ाया हमने ठीक है तो पढ़ लेते हैं एक बार देख लेते हैं यदि मैं यहां कोशिश करता हूं ठीक है हाँ तो लिट्टी धातु और अनब्यास उसका अर्थ दे उस वो यही कहता है कि लिटके परे रहते अनभ्यास धातु को द्वित्व हो जाता है ठीक है द्वित्व हो जाता है एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादिर द्वितीयस्य तो ये एकाचो द्वे प्रथमस्य प्रथम एकाच समुदाय को होगा तो प्रथम एकाच समुदाय यही है केवल तो वाया वाया दत हो गया और ये अनल का आई है ठीक है अब यहां पर लिट्ति भ्यासस्य भयेषाम ध्यान देंगे ये क्या कहता है लिट्ति भ्या भयो हाँ, लिट्ति भ्यासस्य भयेषम इसका मैं अर्थ दिखा देता हूं आपको ये सूत्र है छ एक सत्रिटीभ्या उच्चादीना ग्रहादीना च भवति यहाँ पर, पर इससे ऊपर दो सूत्र हैं क्या है इस सूत्र से ऊपर एक तो ये सूत्र है ग्रहिज्ञा वही व्याधि वष्टि विचति भ्रिश्चति पृछति भृजती नाम नीति च और इससे ऊपर एक सूत्र हो रहा है वच्ची स्वप्य यादि नाम किति ठीक है ये दो सूत्र हैं तो जो आगे वाला सूत्र कहता है कि इन दोनों सूत्रों में जो धातुएं पड़ी हुई हैं ये कहता है गित और कित प्रत्यय के परे रहते इन धातुओं को संप्रसारण होता है ठीक है जैसे ग्रह है ज्या है वय आदेश हमने किया है वो भी धातु माना जाएगा वय तो वय मुख्य रूप से है और तो हमारा क्या है यहाँ पर ये यह ये है, है, ठीक है? और आगे हैं, अभी उनसे हमें कुछ नहीं लेना तो ये जो संप्रसारण है ये संप्रसारण करता है कब करता है गित और प्रत्यय के परे रहते है। ठीक है अभी क्या है लिट के स्थान में जो तिप आया था के स्थान में जो अणल आया है वो कैसा है गित नहीं है कित नहीं है गित कित नहीं है इसलिए ये वाला सूत्र तो लगेगा नहीं ठीक है परंतु इसके आगे वाला जो सूत्र है लिट्टिभ्यास्यो भय ये कहता है कि लिटके परे रहते ऊपर जो सूत्र था ऊपर जो दो सूत्र हैं वच्ची सौ पादी नाम व्यधि प्रना जो दो सूत्र उन दो, दो सूत्रों में जो पठित धातुएं हैं तो यदि लिट होगा लिट के परिणत तो उसको दुर्त हो गया तो जो अभ्यास है जिससे जो अभ्यास बना है उस तो तो उस अभ्यास को संप्रसारण होता है क्या है इसने यही कहा कि शाम बच्चा दिनाम ग्रहादीनाम लिटी परता अभ्यास से संप्रसारण बहुत अभ्यास को संप्रसारण करेगा ये क्या है ये अभ्यास को संप्रसारण धातु को नहीं करेगा था? जो अभ्यास अभ्यास कौन है इसमें देखिएगा यहाँ पर पूर्वोभ्यास पूर्वाभ्यास वहीं पर है इसकी क्या है अभ्यास यानी जो द्वत्त होता है उसमें जो पूर्व वाला होता है उसकी अभ्यास संज्ञा होती है तो ये अभ्यास इसकी तो अभ्यास को ये वय उस सूत्र में पड़ा हुआ है है तो साम से अभ्यास को संप्रसारण हो जाएगा ठीक है तो ये क्या संप्रसारण संप्रसारण क्या होता है इग यण संप्रसारण इग यण संप्रसारण तो इक के स्थान में यण हो जाएगा तो यहां पर ये क्या है यहां पर इसको संप्रसारण होगा पूर्व वाले को ठीक है बाद वाले को नहीं होगा न संप्रसारण संप्रसारण ऐसा सूत्र है उससे निषेध हो जाएगा तो क्या है यहां पर वय के वको को संप्रसारण क्या हुआ गण संप्रण वको ऊ हो जाएगा और ये का आ है और यह ऐसा का ऐसा ही रहा ठीक है ध्यान देंगे हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा अब आपको मैं बता देता हूं आपके मन में शंका हो सकती है सामान्यतः कम होती है कि सूत्र से अभ्यास को संप्रसारण प्राप्त हुआ ठीक है अब यदि आपके मन में ये प्रश्न आता है कि ये संप्रसारण क्या है एक यण है संप्रसारणम माने यण के स्थान में एक कोना ही संप्रसारण होता है तो यहां पर क्या है दो यण है इस अभ्यास के अंदर कितने दो यण हैं एक तो y है और एक या है ठीक है ध्यान दीजिएगा तो अब इसमें से कौन से संप्रसारण हो दोनों को हो जाए अथवा किसी एक को हो और एक को हो तो किसको हो यह कैसे निश्चय होगा तो इसके लिए महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाए हैं सूत्र आप अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा मैं संख्या और सूत्र का उच्चारण कर देता हूं यहां पर अभ्यास में दोनों को संप्रसारण प्राप्त होता है इसको ऊ प्राप्त होता है और इसको ई प्राप्त होता है संप्रसारण परिभाषा के सहयोग से यदि ये दोनों को संप्रसारण हो जाता है तो यह सिद्धि नहीं बनेगी ठीक है किसको संप्रसारण हो इसके लिए सूत्र है देखिएगा एक सूत्र है यहां पर मैं लिख देता हूं न संप्रसारणे संप्रसारणम न संप्रसारणे न संप्रसारणे संप्रसारणम ये सूत्र है और इसकी संख्या है आपकी है एक छत्तीस लिख लीजिएगा छ एक छत्तीस देख लीजिएगा पुस्तक में ठीक है ये सूत्र है संप्रसारण संप्रसारन। कहते हैं कि मानिए मान जिसको संप्रसारण होना है ऐसा वर्ण यदि परे है तो पूर्व को संप्रसारण नहीं होता इसका अर्थ ऐसा आपको मानना है भी कि संप्रसारण माने ये संप्रसारण माने संप्रसार जिसको आगे चल के संप्रसारण होना, होना है वो भी संप्रसारण के नाम से जाना जाता है तो संप्रसारण के पर पूर्व को संप्रसारण नहीं होता इसने निषेध कर दिया तो इसने निषेध कर दिया तो क्या हुआ इसको, इसको संप्रसारण नहीं हुआ इसको होने लगा ई ठीक है शाम से इस को संप्रसारण होने लगा वाय यदि यको कर देंगे तो क्या यह सिद्धि नहीं बनेगी तो महर्षि पाणिनि ने इसके नीचे ही इस सूत्र के नीचे ही एक सूत्र पढ़ा हुआ है लिट्टी वयो यह क्या पढ़ा हुआ है लिट्टी व्यो यह ये सूत्र ये छत्तीसवा ये है और यह सैंतीस मां है थर्टी सेवंथ है ठीक है ठीक है तो ये थर्ट तो ये कहता है कि जो वय आदेश हुआ है वो वय को इस सूत्र ने इस आकार को संप्रसारण मना कर दिया तो ये कहता है कि लिट्टी वयो यह कि लिटके परे रहते वय के यकार को संप्रसारण नहीं होता इसने तो यकार को संप्रसारण प्राप्त कराया था ठीक है परंतु इसका अपवाद ये सूत्र है अपवाद अर्थात निषेध सूत्र है अपवाद नहीं निषेध है अर्थात इसका इसने संप्रसारण प्राप्त कराया उसमें इसने नियम बनाया इस नियम का निषेध इसने कर दिया ठीक है कि भाई वय के यकार को इस सूत्र से संप्रसारण प्राप्त होता है वो नहीं होता है लिटी वयो यहा, लिट के परि रहते वय के यका, जो अभ्यास में वर्तमान व्यय का यह उसको संप्रसारण नहीं होता अभ्यास में हो चाहे किसी में हो ठीक है यकार को संप्रसारण नहीं होता अब इसने मना कर दिया तो इसको संप्रसारण नहीं होगा तो किसको होगा फिर अब दोबारा वकोई हो जाएगा माने वकोई हो जाएगा तो अर्थात ये सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि इसका निषेध कर दिया इसने ए इसने कर दिया तो वैके को वकार को संप्रसारण हुआ तो संप्रसारण होकर के क्या बना उण तो और आ या और व्यास को संप्रसारण कर रहे हैं केवल ठीक है के वल, अब यहां पर आगे एक सूत्र है संप्रसारणाच ठीक है क्या है संप्रसारणाच्य चलिएगा इसका मैं अर्थ दिखा देता हूं आपको यह है सूत्र ठीक है एक, एक सौ चार संप्रसारणाच्य ये कहता है संप्रसारणादचि परता पूर्व पर स्थाने पूर्व रूप में एकादेश संहिताया विषय संप्रसारण से माने संप्रसारण का मतलब जो संप्रसारण इगणह संप्रसारणम माने ण के स्थान पर जो एक आदेश होता है वो संप्रसारण होता है उस संप्रसारण से अच्छ परे माने कोई अच्छ परे है, तो पूर्व परयो माने अच्छ और संप्रसारण संज्ञा का अच्छ उन दोनों के स्थान में पूर्व रूप में आदेश हो भवति माने पूर्व जैसा ही हो जाता है ठीक है तएत विषय तो अब क्या हुआ यहां पर देखिएगा ये क्या है संप्रसारण संज है ये अक्ष पर है तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व जैसा ये है उन दोनों के स्थान में ऐसा ही हो जाएगा अर्थात तो ऊ हो जाएगा संप्रसारण अक्ष सूत्र से ठीक है अब क्या बना ये ऊ तो कैसा बन गया ये ये बन गया आपका या ऊ या और अब यहां पर क्या है पूर्वभ्यासा से अभ्यास संज्ञा हलादी शेषा अभ्यास के अधिकार में हलादि शेष माने अभ्यास में वर्तमान आदि हल शेष रहता है बाद के हल हट जाते हैं तो इसमें क्या आदि में तो कोई हल है नहीं तो यह हट जाएगा यह हट गया यह हट, हट गया तो क्या बचा उ बचा तो उ और ये वा, उ वा या और आ। अब यहाँ पर यस्मात् प्रत्यय प्रत्य प्रत्यय अंगम से अंग संज्ञा है अंग के अधिकार में अत उपधाया ठीक है इति इति प्रत्यय पड़ता अंग उपधाया आकारस्य से वृद्धि भवती तो यहाँ पर इण प्रत्यय तो इसके परे रहते ये इसकी अंग है अंग की उपधा अलोम त्याग पूर्व उपधा उपधा में आकार है इसको वृद्धि होकर के क्या हो जाए वृद्धि रा, वृद्धि राधाई चादी स्थान अंतर्दमा लग करके आ हो जाएगा तो क्या बन गया उवाय सूत्र इसमें मिस हुए थे वो मैंने आपको बता दिए ठीक है ठीक है तो ये बन गया ये किस पक्ष का बन गया जिस पक्ष में ध्यान दीजिएगा जिस पक्ष में वह आदेश हुआ है आदेश हुआ है उस पक्ष का ये रूप हमने बना लिया अब दूसरी सिद्धि क्या है त ये ती, तीनों वचनों बना रहे हैं ये प्रथम पुरुष लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का बना दिया अब लिट लकार के प्रथम पुरुष का द्विवचन का बनाएंगे उतुहू अब सरल है ठीक है एक दो सूत्र इधर उधर होंगे बाकी के समान है सभी माने उन दोनों ने बुना वे पूर्वती वे को व आदेश हो जाएगा सारी प्रक्रिया कर लीजिएगा तथा जो लिट आएगा उसके स्थान में तिवादी उत्पत्ति करके द्विवचन का तस लाएंगे ठीक है तस कोई अतुष हो जाएगा परस्मै पदा नाम अनल अतुष तस को अतुष हो जाएगा अतुष आदेश होकर के क्या बन जाएगा वय अतुष ठीक है अब यहां पर आपको क्या करना है असंयोगा लिटकित मान असंयोगांता धातो हो परता अपित लिट कितवत अपित लिट ये सूत्र हमने पढ़ लिया एक दो पांच में अच्छी प्रकार से तो असंयोग है आपको कोई संयोग नहीं है संयोग असंयोग से उत्तर लिट अपित लिट ये अपित है स्थान में आया तस कैसा है अपित है पकीत नहीं है तो अपित है तो अपित होने से ये कैसा हो गया कित हो गया कैसा हो गया कित कित होने से क्या है ग्रहिज्ञा वै व्यधिवष्टि विचित सूत्र कहता है कि ये ग्राह इसमें वै धातु पड़ी है अभी सूत्र हमने दिखाया था आपको अभी दिखा दूंगा ये धातु को गीत प्रत्यय के परे रहते क्या हो जाता है संप्रसारण हो जाता है क्या होता है संप्रसारण ध्यान दीजिएगा यको संप्रसारण प्राप्त हुआ यको मतलब जो पहले आता उसी को संप्रसारण प्राप्त हुआ और उसके अपवाद सूत्र क्या है? फिर क्या लगेगा जो मैंने आपको अभी बताया था क्या बताया था न संप्रसारणे संप्रसारणम न संप्रसारणे संप्रसारणम इसमें लगता है इसके सहयोग के लिए किसको संप्रसारण करें तो क्या है? इसको संप्रसारण पर इसको संप्रसारण प्राप्त नहीं है तो इसको प्राप्त हुआ है ये जो कह रहे हैं गुरु जी ग्रहिजा व्यध से यको संप्रसारण प्राप्त हुआ अर्थात न संप्रसारण संप्रसारणम नियम सूत्र के सहयोग से यको संप्रसारण प्राप्त हुआ परंतु उसका अपवाद क्या है लिटी वयो लिट के परे रहते जो वय है उसके यकार को संप्रसारण नहीं होता है तो फिर वकार को प्राप्त हो गया ठीक है वकार को परंतु उस इसका भी एक सूत्र अपवाद सूत्र है इसका अपवाद सूत्र ये कहा लिट के परे रहते वय के यकार को संप्रसारण न हो मना कर दिया तो किसको संप्रसारण प्राप्त हुआ इसको प्राप्त हुआ व को परंतु किंतु वश्चा तरस्यम ये एक सूत्र है ये इसके नीचे ही है ये सैंतीस माह और ये अड़तीस है ये कहता है कि ठीक है वय के यकार को संप्रसारण तो नहीं होता परंतु विकल्प से क्या है विकल्प से उसको क्या हो जाता है व आदेश होता है क्या आदेश होता है व देखते हैं इसका ये देखिएगा इसको ये सूत्र है यहां पर ये मैंने आपको सूत्र दिखाया था पहले ये कि लिटी वयो यह ठीक है लिटी परता बयाह वयो एक से संप्रसारण भवती ठीक है ये हमने सिद्धि अभी कर ली ठीक है और इसका ही अपवाद माना एक छोटे से अंश में अपवाद है ये ये क्या कहता है वश्यान्यतरस्याम किति अर्थ अस्य वयाह यकारस्य किति लिटि परतो विकल्पेन वकारादेशो भवति ऊपर वाले सूत्र ने मना कर दिया कि लिट के यकार को संप्रसारण नहीं होता है ठीक है तो फिर इसने कहा कि ठीक है नहीं होता है परंतु यदि लिट कित प्रत्यय है क्या है कित है तो उसको विकल्प करके तो वय का यकार है उसको विकल्प करके क्या हो जाता है वकार आदेश हो जाता है मान एक पक्ष में वकार आदेश हो जाएगा एक पक्ष में नहीं होगा तो हम देखते हैं यहां पर विकल्प से ये कित प्रत्यय अतुष तो ये क्या था ये देखेगा यहां पर आ गए थे हम ये, आ, ये, ये एवं, अब क्या है व, वश्चासन वश्चान रश्याम कि व हो गया यको यको हम कर देंगे व तो क्या बनेगा ये यको व हो गया ठीक है और ये व अपना बना रहेगा अच्छा नहीं एक मिनट ये अभ्यास को अभी कुछ नहीं करेंगे अभ्यास तो अभी कर, बाद में करेंगे <laughs> अब यहां पर ये क्या है आतुश ठीक है ये हो गया वह हो गया वह दोनों हो ये विकल्प से एक बार या भी रहेगा तो अभी बाकी बात कर रहे तो यको वह एवं पूर्व वको माने इस वको अब क्या हो जाएगा इससे संप्रसारण हो जाएगा ग्रहिज्या वही व्यधि वष्ट विचित से संप्रसारण हो जाएगा अब जो कभी इसको तो मनाई हो गया तो इसको संप्रसारण होगा संप्रसारण इसको क्या हो जाएगा उ और आ बचेगा ये इसका आका संप्रसारण चलक करके इसको क्या हो जाएगा ऐसा बन जाएगा उ अभी संप्रसारण अच्छ लगाया था मैंने ठीक है और पूर्व पर्यवस्था ने पूर्व रूप में का देशो भवती संप्रसारण होकर लिट्टी धातु और न्यास्य अब ये इतना हो गया हमारी स्थिति क्या बन गई ऐसी बन गई उ, ये। और अतुष ऐसी स्थिति हो गई अब यहां पर लेटी धातु और नभ्यास्य दुतित्व हो गया ठीक है एक प्रथम प्रथमस्य एका है आजाद द्वितीय से अर्थात तब लगता है आजादी तो है ये परंतु द्वितीय तो है ही नहीं इसमें तो इसलिए एकाचो तो प्रथम से लगेगा इसमें तो एकाचो तो प्रथम से लग करके क्या हो जाएगा उद्युत हो जाएगा तो ओवा ओवा अतुस ऐसा हुआ हलादी ही शेष से हलादी आ, है ही नहीं तो ये बाद वाला हुआ चला जाएगा और ये लग करके आकाह सवर्णे दीर्घाह से क्या बना उग और ऊ को दीर्घ हो गया वा, तुस अतुस मिला देंगे और यहां पर सुप्त गो रूहो अवसानम खरवसानी और विसर्जनी यहां लग करके क्या बना ऊ तो हो बन गया उ तो ठीक इसी प्रकार से जब झील आएंगे बाहुवचन में बावचन में झी लाएंगे सारी प्रक्रिया यही रहेगी क्या है सारी प्रक्रिया यही रहेगी ये क्या करेगा बस इतना मान लीजिएगा ये ये है आपका वे धातु है ये इसको झी आएगा झी को क्या हो जाता है वही परस्पर अणलतु कैर्थासन के करके झी को उस हो जाता है बात बाकी का सारा यही प्रक्रिया रहेगी तो उस मिला देंगे तो क्या बनेगा उबु हो। उबु बनेगा ठीक है सारा आदि बिल्कुल ऐसा ही होगा बस के स्थान में आपको उस कर देना बस बाकी यही सूत्र सभी लगेंगे ठीक है तो ये बन गया किस पक्ष में बना जिस पक्ष में वश्चान्य तरस्याम कितने कित लगता है तो ये क्या है लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन तो कित नहीं है वो तो पित है परंतु जो द्विवचन और बहुवचन है वो कैसे अपित तो अपित होने से कित होते हैं तो उनमें लगता है जिस पक्ष में पश्चान्य कृष्याम किति अन्य तरस्याम कहने से पक्ष में जब यको व नहीं हुआ जब वको यहा यहा को, या पर, या या पर वा को सूत्र से वश्चान किति से या नहीं हुआ वह नहीं हुआ यानी हुआ नहीं हुआ तब यही रहेगा यह रहेगा तो क्या बन जाएगा बिल्कुल सरल है ठीक है तो पूर्वत तू ये विसर्ग आएगा पूर्वतुहसूहू हु, बन गया जैसे देखिएगा यहां ये हो गया वह आदेश हो गया था और ये से आपका ठीक है या तो से अब यहां पर इस या को विकल्प करके या नहीं हुआ नहीं हुआ और इसको तो संप्रसारण आदि हो ही जाएगा तो हम जब इसको करेंगे तो क्या करेंगे ऐसा करेंगे ओ या और ओ, ना वा और इसको तो संप्रसारण हो ही जाएगा ओ या ऐसा करेंगे ठीक है ये हट जाएगा और कसवर्ण दीर्घा ऊ और अतु तो ऊ या तो तु ऐसे बन जाए बस इतना ही अंतर सारे सूत्र ही लगेंगे बस यकार या, को वकार नहीं हुआ है यकार ही रह गया बस ठीक है तो पक्ष में क्या बन जाएगा ऊ या तो हो ऊ हो ये दो रूप बन जाएंगे अब बन गए आपके इतने अब जिस पक्ष में ध्यान दीजिएगा जिस पक्ष में वेयो वय है वय से आदेश वा, नहीं होता है मान वही आदेश नहीं होता उस पक्ष में क्या रूप बनेगा उस पक्ष के रूप बनेंगे आपके सरल से जो उदाहरण में दिखाए थे आपको वा बाबो हो सरल आपको एक आध दो सूत्र नहीं लगेंगे अन्यथा सारे कोई पुराने वाले सूत्र ठीक है देखिएगा इसको पहले पढ़ लीजिएगा गुरुजी ने लिखा है फिर मैं समझा देता हूं आपको वही आदेश के अभाव में माने भाई आदेश नहीं होगा वाबऊ वाबतु हो वाबो हो रूप बनते हैं ठीक है आदेश उपदेश से स्थिति से आप तो सर्वत्र होता ही है ठीक है वाबऊ में बबू माने ये प्रथमा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत का है मैं आता अनलह से अनल को अवकार आदेश हुआ है तथा अन्यत्र अन्यत्र माने बबतो हो बबा बबू हो में आतो लो पेटी चे आकार का लोप होता है वे यहां से संप्रसारण का निषेध हो जाता है ये सूत्र आप समझा देता हूं मैं आपको ठीक है अब देखिएगा हमारे पास में क्या स्थिति होगी अब अब हमारे पास में स्थिति होगी आपकी <laughs> व्य धातु है ठीक है ये यहां पर तिवारी उत्पत्ति करके आप हम लाते हैं पहले वो ये बनाएंगे बाबा तो यहां पर तिप आ जाएगा लिट के स्थान में ठीक है ये संज्ञा हो जाएगी और यहां पर क्या है टिप आने से पहले सबसे पहले क्या हो जाएगा आदेश उपदेश आदेश उपदेश स्थिति कहता है कि उपदेश में उपदेश में माने धातु पाठ के अंदर जिन धातुओं में अंत में एच माने एच का अर्थ हो गया आपका ए और, ओ, और आई और आउ। इनको क्या हो जाता है आदेश उपदेश मैंने धातु ला धातु पाठ में ही हम उठाते हैं वहां से उसी समय क्या हो जाता है एच को आ हो जाता है यदि किसी धातु के अंत में ये है तो इनके स्थान में आ हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा वा हो जाएगा ध्यान दीजिएगा इस आदेश उपदेश क्षिति चलिए यहाँ हमने पहले मैंने कई बार पढ़ा दिया है आपको ये सूत्र आ, ये सूत्र संख्या लिखी हुई है छ एक चवालीस मैं अर्थ आपको यहाँ पर आ, खोल के पढ़ के बता देता हूँ जो पुस्तक में लिखा हुआ है ठीक है वैसे तो मैंने जो बताया था हिंदी में समझा दिया है और संस्कृत में समझ लीजिएगा इसका अर्थ है उपदेश या एजंता धातु तस् आकारादेशती प्रत्यय पर ठीक है इतना और जोड़ लीजिएगा कि प्रत्यय कोई क्षित प्रत्यय आने वाला है तो नहीं होगा अश्ति उप उपदेशे क्षिति सूत्र में लिख देता हूं एक बार पूरा क्या आदे च उपदेशे पूरा सूत्र नहीं देखता तो थोड़ा सा ये ये है ठीक है ये क्या अर्थ द्वारा पढ़ता हूं देखिएगा उपदेश अवस्थायाम उपदेश अवस्थाएं धातु पाठ के अंदर ही वहीं पर या एजंता धातु हो जो एजंत माने एकांत ओकारांत अकारांत औकारांत जो धातु है तस्य माने उसको उसे एक ऐच को आकारादेशो भवती आ आदेश हो जाता है प्रत्यय परतानुभवती यदि शीत प्रत्यय आ रहा है शप आ गया तो नहीं होगा क्षित प्रत्यय क्षत्रिय कुछ भी आ जाए तो नहीं होगा शीत से भिन्न प्रत्यय के परे रहते माने आने से पहले ही है परे रहते नहीं विषय में ही क्या हो जाएगा आ आदेश हो जाएगा तो यहां पर क्या है ये जो हम ला रहे हैं वे ही यहां पर तो आगे लिट लकार आने वाला है शीत आने वाला नहीं है तो लिट में शित होता ही नहीं कुछ भी तो यहां पर क्या हो जाएगा वाह हो जाएगा इसको वाह हो गया वाह और फिर आपका टिप आ गया तप को अनल हो गया परस में पता ना अणल ये ये ऐसा हो गया क्या बच्चा आपका वाह क्या वाह बच्चा ध्यान दीजिएगा ठीक है ये हो गया वाह अब यहां पर अब हम करेंगे यहां तो होता है वबाऊ में आताउ अणला से अणल के अवकार को अवकार आदेश हुआ ठीक है अब हम यहां पर सबसे पहले कर लेते हैं आ, लिट्या, लिट्या, लिट्टी धापो अन्यास से दुत कर लेते हैं तो दुत कर लेंगे तो ये वाह हो जाएगा ठीक है और इसमें यह ध्यान देंगे शेषा ये। वा ये वाह वा कुछ नहीं बोलेगा और ह्रस्व हो जाएगा माना अभ्यास में वर्तमान उसको ह्रस्व हो जाता है तो व बन गया वा, वा। अब ये सूत्र तो आपको ध्यान रखने होंगे ह्रस्व हो जाता अभ्यास में जो होता है उसको दीर्घ ह्रस्व हो जाता है ह्रस्व होने पर क्या होना वा वा, 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 और वा, और आ। ये क्या है यहां सूत्र में क्या है आताउ अणल अ दीर्घ अंग से उत्तर जो अणल प्रत्यय है तिप्त तिप स्थान में अड़ल आता है उसको क्या हो जाता है औ आदेश हो जाता है तो इसको क्या हो जाएगा औ आदेश हो जाएगा इससे सात एक चौतीस तो औ आदेश हो जाएगा इसको ये हो गया ठीक है अब आपका बन गया ऐसा वा वा बन गया अब यहां पर एक चीज प्राप्त होती है यहां पर क्या है ये जो हमने पहले सूत्र पढ़ा था लिट्टिभ्यास्यो भय शम क्या है लिट्टिभ्यास्यो भय उसी क्या है माने इसके परे रहते पर इसको वे जो धातु है उसको अभ्यास को संप्रसारण प्राप्त था अभ्यास को संप्रसारण के तो उसका इसने निषेध कर दिया वे यहां कि वे यहां माने वे धातु को के अभ्यास को अथवा वे धातु को संप्रसारण नहीं होता है इसको मैं दिखा देता हूं आपको तो ये व्यय सूत्र कहता है ये है ठीक है व्यय क्या एक उन्चालीस व्य तंतु संताने धातोर लिटी परता संप्रसारणम न ठीक है संप्रसारण नहीं होता है तो वबहु वो वबुहु तो हम अभी ये बना रहे हैं तो यहां पर क्या है यहां धातु को तो संप्रसारण प्राप्त ही नहीं था अभ्यास को प्राप्त था लिट अभ्यास भयशाम ठीक है तो उस का निषेध कर दिया निषेध कर दिया तो अब क्या बनेगा ऐसा हो गया था हमारा व और ये औ ठीक है अब यहां पर वृद्धरेची लग गया वृद्धरेची से बन गया आ और औ को औ हो गया दोनों को वृद्धि एक आदेश हो गई तो अब क्या बन जाएगा ऐसा वा, ये बन गया ठीक है सरल है कुछ परेशानी नहीं है थोड़ा पुस्तक का आपको पूरा सहयोग लेना ही पड़ेगा बिना पुस्तक के अब काम नहीं चलने वाला है ठीक है और ये जो आतलह सूत्र था इसको इसका भी अर्थ में दिखा देता हूं आपको ये सूत्र है आता अड़लह सात एक चौतीस इसने क्या कहा था आकारांता दंगात उत्तर अणलह स्थाने अवकारादेश दीर्घ आकारांत अंग से उत्तर अनल के स्थान में अवकार आदेश हो जाता है यही बताया था आपको ठीक है चलिएगा तो ये हो गया हमारा तो ये बबहू बन गया ये वबाहऊ बन गया अब दूसरे पक्ष में हम जो था जिस पर आगे द्विवचन में और बहुवचन में बहुवचन में क्या बनेगा स्थिति केवल ये वाला सूत्र लगेगा आतो ठीक है और जैसे मानिएगा ये हो जाएगा वे, वे को वा हो जाएगा आदेश उपदेश स्थिति लग करके और ये यहां पर तस आएगा तस को अतुष हो जाएगा परसमय पदार नाम से अतुष हो गया ठीक है अब यहां पर भ्यासा हलादी लिट्टी धातु और अन्य से, से द्वित हो गया द्वित होकर के ये बन गया वाह और हरस हो गया पूर्व्यासा हरस्व हरस हो गया अभ्यास के अधिकार में तो हरस होकर के बनी आपकी स्थिति वा वा और वतुष ध्यान देंगे ठीक है ऐसी बनी अब यहां पर ये कैसा है ये तस् था तो असंयोगाल लिटकित असंयोगाल लिटकित से ये कैसा है कित है तो कित के परे रहते यहां पर क्या है वचित स्वपे नाम किति ये संप्रसारण प्राप्त है धातु को इसको संप्रसारण प्राप्त है उस संप्रसारण का निषेध ये कर देगा वे यहां कि वे धातु को संप्रसारण नहीं होता तो संप्रसारण नहीं होगा ऐसा कैसा ही रहा अब यहां पर आतोलोपिच आतोलोपेटिच कहता है कि, कि आर, आ, दित दित आर धातु का आजादी प्रत्यय के परे रहते आ का लोप होता है आकार धातु का लोप होता है तो ये कहता है कित कि है संयोगाल लिट के कित से कितने और आजादी है तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा आतो लोप टीचर से इसके आकार का लोप हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा वा वा और आतुष मिल जाएगा तो वा वा तू और उत्सव सर को करके वा वा हो ऐसा बन गया सरला कुछ विशेष नहीं है आतो लोप टीचर इसका मैं आपको अर्थ दिखा देता हूं ये देखिएगा आतोलोपिटी छ चार चौसठ मा सूत्र है अर्थ आकार वार धातु के किंगती चार दादा चार्द, चा जा परतो लोपो भवती इसका अर्थ बता देता हूं आकारांत अंग से दीर्घ आकारांत अंग का इडाद आर धातु के मान इट प्रत्यय आदि में जिस आर ऐसा कोई आर धातु हो अथवा धातु के माने कित गित आजादी आर धातु प्रत्यय हो तो क्या है लोपो भवती आकार का लोप हो जाता है तो यहां पर जो मैंने बताई दिया आपको कित है असंजोग से कित है तो क्या हो गया ये हो गया और ये यह जो यहां पर एक बात और ध्यान दे लीजिएगा कुछ लोगों को शंका हो तो उसका निवारण कर देता हूं यहां पर जब हम असंयोगाल लिटकित लगाते हैं असंयोगाल लिटकित लगाते हैं तब क्या होता है जो तस होता है तस लिटके स्थान में जो तस है, ये आता है लिटके स्थान में तस ये कैसा होता है आर धातु को होता है कैसा होता है ये ये आर धातु को होता है एंग शिट सार धातु कम से ये वैसे सार धातु प्राप्त था परंतु तो लिट उसके नीचे सूत्र है लिट तो उस लिट से क्या हो जाता है लिट लकार में सभी जो लिटादेश में लिट के स्थान में आदेश होते हैं तिप जी सिप था आदि ता आताम झा सभी कैसे होते हैं आर धातु होते हैं लिट ये सूत्र है लिट च ठीक है तो सूत्र से ये तस कैसा है और धातु का इसलिए असं होगा लिट कित से ये कित हो गया है क्या दिएगा? तो ये आपका सिद्धियां हो गई कुल मिलाकर के और ये हो गया आपका <laughs> ये, ये सूत्र की सिद्धियां थी ठीक तो 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 है? मैंने करा दी है अब इन सिद्धियों का आपको अपनी कॉपी पर संक्षिप्त रूप से मैंने लिख लिख करके अच्छा ये सूत्र लग गया ये सूत्र लग गया उसकी पोजीशन सिद्धि की लिखते जाना है अभ्यास करना है तब आपके मस्तिष्क में बैठेगी ठीक है मेरा पढ़ाना आपको केवल इतना ही सहयोग दे सकता है कि आपको पुस्तक में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मेरी वीडियो से आप समझ सकते हैं यही अध्यापक का काम होता है क्लास में क्लास में पुस्तक छात्रों के पास होती है चीज को पढ़ते उनको समझ में नहीं आती है तो अध्यापक उनको समझाने के लिए पहले से पढ़ाता है इससे आराम से समझ में आ जाए ठीक है तो इसलिए यदि आप व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं तो इन पुस्तकों को अवश्य मंगा लीजिएगा बिना पुस्तकों के अब इन वीडियो से आपको लाभ मिलना असंभव है यदि है आपके पास में पुस्तक पहले से तो कोई परेशानी नहीं है ठीक है नहीं है तो पुस्तक मंगाइएगा तभी आप इस व्याकरण की कक्षा को ठीक प्रकार से पढ़ पाएंगे पुस्तक प्राप्ति का आ, आपको बता ही दिया है आप देववाणी संस्कृतम डॉट कॉम वेबसाइट से गूगल में सर्च कर लीजिएगा देववाणी संस्कृतम डॉट कॉम वेबसाइट वहां पर ऑर्डर कर दीजिएगा अथवा व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिएगा आपको पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएंगी चलिएगा मित्रों आगे की कक्षा में मिलते हैं अब आगे का हमारा जो सूत्र है वो सूत्र है इसमें कुछ सिद्धियां हैं हनोबध लिंगी हनोबध लिंगी तो एक कक्षा में एक ही सूत्र हुआ है सिद्धि बड़ी है ठीक है चलिएगा सर्वेभ्यो नमः